दोस्तों, अभी हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के एरा में हैं। अगर मैं ऐसे बात कहूँ तो गलत नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि जब से स्पेशली आफ्टर कोविड, स्मार्टफोन्स पे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इतना सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको ऑन द क्लिक अवेलेबल है। मैं आज जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक ऐसी चीज़ है दोस्त जो आपके सक्सेस में उसका बहुत क्रिटिकल रोल है, और वो है इन्फॉर्मेशन। जब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे आप बुक पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, जर्नल पढ़ते हैं, आप पीपीटी अपना बनाते हैं या प्रेजेंट करते हैं या कोई नोट्स बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, बट आप उसको देखते हैं तो दो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। एक तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं जनरेट कर पाते हैं अपना, और पूरे इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं अपने माइंड में। अब ये चैलेंज बहुत सारे लोग फेस करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, या वो बिजनेसमैन हो, या हर कोई जो कोई भी कोई बुक पढ़ता है या कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से रिसीव करता है और उसको अपने माइंड में प्रोसेस करके स्टोर करता है, और उसमें वो चैलेंज फेस करता है कि जब उसको रिकॉल करने के लिए बोलते हैं, अगर स्टूडेंट को, स्टूडेंट किसी चैप्टर को याद करता है, किसी चैप्टर को पढ़ता है, उसको एग्जाम में जाके जब उसको लिखने की बारी आती है तब कई बारी उस चीज को वो भूल जाता है। दोस्तों, आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्यों है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम पढ़ना तो चाहते हैं, बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बुक पढ़ना चाहते हैं, जर्नल पढ़ना चाहते हैं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, बट जैसे ही वो बुक को खोलते हैं वो अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, या जब बुक नई होती है, जब बुक उनको उनको मिलती है तब तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है उनके अंदर की बुक पढ़नी है, बट थोड़े टाइम बाद जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं धीरे 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 वो या तो प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं या फिर उसमें इंटरेस्ट को वो लूज कर जाते हैं। और समहाउ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बुक तो पढ़ लेते हैं बट उनको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती हैं या उस इंफॉर्मेशन को वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं जब भी जरूरत होती है। तो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई भी पर्सन जो बुक में इंटरेस्टेड है या इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है और आप अपने इंफॉर्मेशन को मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, तो आपको मैं कुछ टेक्निक्स देने वाला हूं, कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेगा आपके कंटेंट को, आपके टेक्स्ट बुक को, या जो भी बुक आप रीड करना चाहते हैं उसको मेमोराइज करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए अपने माइंड में। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखिए, और जहां पे जरूरत लगता है आप नोट्स जरूर बनाइए। दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बुक है, अगर उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं या उसको हम पढ़ते हैं तो हमें क्या, किन प्रोसेस के थ्रू हम गुजरते हैं। तो पहला प्रोसेस उसमें होता है दोस्त, इनपुट। अब इनपुट में क्या है, सपोज आप एक बुक पढ़ रहे हैं, आपने बुक पढ़ना शुरू किया तो आपने कुछ इंफॉर्मेशन अपने माइंड में एज एन इनपुट लिया, चाहे वो बुक के हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, टाइटल्स हैं, या जो टेक्स्ट हैं उसके डिटेल में, उसको आपने पढ़ा तो क्या किया, आपने इनपुट लिया। अब इनपुट के बाद क्या होता है, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट में क्या है कि ये ब्रेन ये प्रोसेस करता है इनसाइड। आपने पढ़ा, कोई पेज आपने पढ़ा या कोई चैप्टर आपने पढ़ा, उस इंफॉर्मेशन को हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। अब जैसे ही आउटपुट जनरेट होता है उसके बाद आता है रिव्यू। इसके पहले मैं एक बात आपको बता दूं, हम में से बहुत सारे लोग या तो इनपुट में रह जाते हैं कि इंफॉर्मेशन तो उन्होंने कलेक्ट कर लिया बट उनका ब्रेन कहीं से प्रोसेस नहीं करता है, या ड्यू टू सम रीजन वो प्रोसेसिंग नहीं हुई उनके माइंड में जिसकी वजह से आउटपुट जनरेट नहीं हुआ। तो स्टूडेंट है या कोई भी है जो बुक पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई करी आधा घंटे, एक घंटे, 2 घंटे, बट आउटपुट क्या है, जीरो, क्योंकि प्रोसेसिंग नहीं हुई। रिव्यू में क्या है कि जब आपका ब्रेन आउटपुट जनरेट करता है बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके बाद ये जाता है रिव्यू प्रोसेस में। रिव्यू कहाँ जाता है, रिव्यू जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके कॉन्शियस लेवल पे। सो ब्रेन के डिफरेंट लेवल्स पे इसका रिव्यू होता है इंटरनली, और इसके बाद आप उस नॉलेज को कहीं भी अप्लाई करते हैं।
उसका एप्लीकेशन होता है। तो चार स्टेप है, इनपुट, आउटपुट, रिव्यू और एप्लीकेशन। तो जब भी आप कोई बुक पढ़ें या कोई कंटेंट लें या कोई इंफॉर्मेशन को आप एब्जॉर्ब करना चाहते हैं लाइक अ स्पॉन्ज। जी हाँ, आपने स्पॉन्ज देखा होगा दोस्त, स्पॉन्ज को कितना टाइम लगता है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए? इट हार्डली टेक्स सम टाइम टू एब्जॉर्ब एनीथिंग इनसाइड इट। उसी तरीके से आज के बाद, इस वीडियो के बाद, आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बुक को आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं।